हाय फ्रेंड्स, जीत रंगोली में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए आज एक सुंदर सा हैप्पी न्यू ईयर स्पेशल पोस्टर रंगोली बनाना सीखते हैं। बहुत सारे लोगों का डिमांड भी था कि सर एक हैप्पी न्यू ईयर के ऊपर पोस्टर रंगोली बनाइए, तो चलिए एक पोस्टर रंगोली बनाते हैं। यहाँ पर सिंपल सा बनाएंगे, एक दिया बनाएंगे और एक मोर पंख बनाएंगे और ऊपर हैप्पी न्यू ईयर लिखेंगे और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन वो शेडिंग के साथ करेंगे। तो हमने जितना जगह पे बनाना है वो सबसे पहले हमने स्केल रख दिए और जैसे दिया बनाना है, दिया के जापा जो येलो कलर के राउंड बनाना था, तो ये जो प्लास्टिक का डिस्पोजल है ये डिस्पोजल रखे वहाँ पर एक शेप बनाने के लिए कि कहाँ तक अपने को राउंड जाएगा। फिर येलो कलर डाले और येलो कलर में हल्का सा ऑरेंज कलर मिला के इस प्रकार थोड़ा सा ब्लेंड करके नीचे आए। अब जैसे ये राउंड को एकदम शार्प दिखाना है तो शार्प बनाने के लिए बाद में डिस्पोजल उसके ऊपर रखेंगे और फिर कलर भरेंगे। दिया में ऐसा थोड़ा सा हल्का सा मतलब लाइट से डार्क तक के आना है, थोड़ा कत्था कलर, मतलब अभी दी येलो कलर में भी या ऑरेंज कलर में भी थोड़ा ब्लैक मिलाते जाएंगे तो इस प्रकार के दिया के कलर बनेगा वो। अब जैसे ये जो डिस्पोजल है कटोरी डिस्पोजल प्लास्टिक के वो रख दिए और फिर उसके ऊपर से रेड रंगोली डालें, फिर रेड उसके बाद पिंक कलर की रंगोली डालना है और थोड़ा गैप छोड़ना है। वो गैप इसलिए छोड़ना ताकि वो हम ब्लेंड करना है, तो ये रेड रंगोली और जो पिंक रंगोली को फिर से दोनों सेम प्रोपोर्शन में लेना है, उनको मिक्स करना है और जो कलर बनेगा वो कलर बीच में फिल करना है। तो ये करीब करीब कुछ वो मिक्स हो गया। जैसे यहाँ पर थोड़ा लाइट वॉयलेट कलर है मेरे पास, तो ये लाइट वॉयलेट कलर डाले कुछ बीच में जगह छोड़े, तो ये पिंक कलर और जो वॉयलेट कलर दोनों को सेम प्रोपोर्शन में लेना है और एक दूसरा नया कलर बनाना है और फिर बीच में वो फिल करना है। जैसे अभी दूसरा कलर नहीं करना है अपने को यूज, तो जो वॉयलेट कलर है उसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर मिलाए तो ये थोड़ा डार्क हुआ, तो उसको साइड में फिल करेंगे और ज़्यादा गैप दिख रहे तो थोड़ा जो ये कलर है थोड़ा ऊंचा करके डालेंगे तो थोड़ा सा वो ब्लेंड दिखेगा। डिस्पोजल को हटा दिया हमने, अब वही कलर में थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक मिलाना ताकि जो कलर है अपने भरे थे उससे डार्क होना, तो हमने थोड़ा ज़्यादा ब्लैक मिलाए तो उससे थोड़ा सा डार्क किए और जितना जगह बचा था वो जगह में फिल कर दिए। तो इस प्रकार एक सुंदर सा कलर कॉम्बिनेशन से बनाना है, दिया पूरा भरना है और फिर नीचे जो मोर पंख बनाना है तो ये कलर के ऊपर बनाएंगे। दिया को थोड़ा सा डार्क ब्लैक से आउटलाइन करेंगे। सफेद रंगोली से कुछ रेशा देंगे। इस प्रकार लाइटिंग दिखेगा। ठीक है, दिया बना लिए। इसके बाद मोर पंख बनाना है। मोर पंख बनाने के लिए वही स्टेप रहेगा, पहले जो ब्लू कलर है वो ब्लू कलर के राउंड बनाना है और ब्लू कलर के ऊपर के साइड में डार्क ब्लू से एक हार्ट शेप में एक डिजाइन बनाना है और उसको भी थोड़ा डार्क करना है ब्लैक से और फिर कत्था कलर, ऊपर कत्था कलर रहता है। अब रेड के साथ थोड़ा ब्लैक मिलाए तो भी ऐसा कलर बनेगा, या जो ऑरेंज कलर है ऑरेंज कलर में भी थोड़ा सा ब्लैक मिलाए तो भी ऐसा कलर बनेगा। उसके बाद का स्टेप आता है जो लाइट ग्रीन कलर, वो लाइट ग्रीन कलर और फिर डार्क ग्रीन से वो साइड में कुछ लाइनिंग बनाएंगे ताकि मोर पंख के जो डिजाइनर शेप है वो आएगा। आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन का दबा के लाइक कर दीजिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा लीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर नए क्रिएटिव रंगोली का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। आप यहाँ पर बहुत सारे रंगोली डिज़ाइन, पोस्टर रंगोली, पोर्ट्रेट रंगोली, रंगोली के शेड, बहुत सारी चीज़ मैं यहाँ पर बताता हूँ,
आपको तो क्लास जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर मेरे चैनल को फॉलो करते रहोगे तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई क्लास लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर बारीक चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पर। तो ये दिया था तो रेड ब्लैक कलर से और थोड़ा डार्क किए और नीचे भी थोड़ा सा डार्क शेड मिला दिए वो कत्था से, तो इस प्रकार एक सुंदर सा हैप्पी न्यू ईयर रंगोली के थीम बन गया। अब जो ऊपर खाली जगह छोड़े थे हमने तो वहाँ पर वाइट कलर से हैप्पी न्यू ईयर लिख लेना है। इस प्रकार एक एक स्टेप नीचे आते जाएंगे जैसे हैप्पी न्यू ईयर, और फिर एक कलर चेंज करेंगे, कोई भी कलर से आप 2019 लिख लीजिए। तो ये जो हम अपने को जो बनाना था हमने बना लिए। इसके बाद मेन स्टेप रहता है इनका जो बॉर्डर बनाना। हमारा बॉर्डर जितना नीट एंड क्लीन रहेगा उतना ही हमारा पोस्टर अच्छा दिखेगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो बॉर्डर है वो हम नीट एंड क्लीन बनाएं। तो इसके लिए अपने को दो स्केल रखना है, एक स्केल रंगोली के ऊपर रखना है और एक स्केल जितना बॉर्डर चाहिए उतना गैप छोड़ के रखना है, और फिर कोई भी जो रंगोली फिलर है वो रंगोली फिलर से फिल कर दीजिए। यदि हम यहाँ पर हाथ से फिल करेंगे तो कहीं ना कहीं वो उबड़ खबड़ दिखेगा, इसलिए जब बॉर्डर बनाएंगे तब आप रंगोली फिलर है जो हर मार्केट में मिलता है अवेलेबल है या फिलर से फिल कीजिए, ताकि जो फिनिशिंग है वो फिनिशिंग आएगा। हम कितना भी हाथ से बनाएंगे इतना फिनिशिंग नहीं आ सकता है, इसलिए जो बॉर्डर है आप रंगोली फिल और यूज़ कीजिए। जैसे हम स्केल रखते हैं रंगोली के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि थोड़ा सा संभाल के रखें। तो रंगोली के ऊपर जब हम स्केल रखते हैं तो पहले एक कॉर्नर पे रखना है, एक साइड में उसको दबा के रखना है, फिर दूसरे कॉर्नर को रखना है धीरे से। और बॉर्डर बनाने के बाद भी हमारे रंगोली इधर उधर जाता है बाहर, तो उसको हम कपड़े से या कॉटन बोर्ड से उनको साफ करके क्लीन करेंगे, ताकि जो बॉर्डर है वो नीट एंड क्लीन। जैसे बॉर्डर बना लिए फिर भी साइड में कुछ दिख रहे हैं तो हम एक तो उंगली से उनको बराबर सीधा करके साफ कर लेंगे या कोई भी एक कपड़े से उनको क्लीन कर लेंगे। एक बात को ध्यान रखेंगे कि जो बॉर्डर वो इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए जब भी हम पोस्टर रंगोली बनाएंगे तो बॉर्डर की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो वो नीट क्लीन बने, तभी हमारा पोस्टर अच्छा दिखेगा। तो ये इस प्रकार एक सुंदर सा हमने बॉर्डर बनाए और एक सुंदर सा पोस्टर रंगोली बनाए। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताइए, आपके कमेंट्स की राह देखता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।